बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल सौराष्ट्र के दौरे पर है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह इतना बढ़ गया है कि स्वागत के लिए पूरे जोश में हर्षोल्लास के साथ तैयारी कर रहे हैं। मानो कार्यकर्ताओं में कोरोना महामारी का डर या यूं कहिए सतर्कता इनके चेहरे पर या हरकतों में कहीं भी नजर नहीं आ रही। जनाब, कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग? सरकार के मंत्री ही सरकार के नियमों का उल्लंघन करते साफ नजर आ रहे हैं। सरकार की सारी नीतियों को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी जैसे कि गुड बुक में नाम लिखवाने की होड़ मची हो। वहीं दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ फोटो खिंचवाने के लिए और आने वाले चुनाव में टिकट के लिए होड़ लगा रहे बीजेपी नेताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी, ना ही सीआर पाटिल ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। अब आम जनता के मन में सवाल लाजमी है कि आएगा ही कि क्या कानून और नियमों का पालन सिर्फ आम लोगों के लिए ही है, क्योंकि भद्रपद अमावस्या पर दामोदर कुंड और स्नान करने में रोक लगा रही पुलिस के मात्र 100 मित्र पर ये स्वागत कार्यक्रम हुआ, फिर भी कोई दंड या फर्ज का पालन नहीं किया गया। सीआर पाटिल ने भरे ऑडिटोरियम में बीजेपी नेताओं को धमकाया और कहा कि अगर कोई काम नहीं करना चाहता तो पार्टी को छोड़कर जा सकता है। वहीं दूसरी ओर एक और तस्वीर सामने आई, कितने चाव से देखिए सीआर पाटिल, मानो चॉकलेट खा रहे हूँ ऐसा लग रहा है। गुजरात में 8 विधानसभा सीटों पर अगले माह उपचुनाव की संभावनाएं बताई जा रही हैं। कांग्रेस ने इसीलिए हार्दिक को अहम मुद्दे पर बिठाया है ताकि सौराष्ट्र की 5 सीटों पर पाटीदार मतदाताओं को मना सके। वे भाजपा ने सीआर पाटिल को लाकर प्रदेश की राजनीति में नए संकेत दिए हैं। पार्टी के इस फैसले से अब मुख्यमंत्री विजय रूपानी को बदले जाने की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। गुजरात की राजनीति के जानकारों की माने तो भाजपा ने राज्य में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत दिए हैं और अब यह आने वाले उपचुनाव के लिए ये रैली, ये रूठने मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि यहाँ पर एक और सवाल भी उत्पन्न होता है कि इस महामारी के दौरान ये रैली करना कितना योग्य है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी की रिपोर्ट, गुजरात तक।